बादशाह साहब सब मेहमान जा चुके हैं, रुखसती का क्या करेंगे? अब रुखसती नहीं होगी। मगर पाशा साहब, मगर क्या जीन, क्या मगर? क्या हम अपनी छोटी सी मासूम सी बच्ची को उस धोखेबाज के साथ रुखसत कर दें? मुझे फरजाद से इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी। पाशा साहब, ऐसे गुस्ताखी माफ, आप ही उसे बड़ा बड़ा अच्छा समझते रहे। मुझे तो पहले ही उस समझदार, ईमानदार, दयानतदार, जहीन, टैलेंटेड, लविंग इंसान पर डाउट था मुझे पहले। आप सब लोग खुद ही बताएं कि एक इंसान में इतनी सारी खूबियां हो कैसे सकती हैं? प्यार से चची चची करते आगे पीछे घूमता था, ऐसा लगता था कि उसकी जबान पर चाशनी रखी हो। और जीनत, ये भी तो बताओ कि कैसे कैसे गिफ्ट तुम्हें ला के देता रहा। और इस चक्कर में तुम उसकी जुबान की चाशनी तो तुम्हें महसूस हुई, उसका झूठ तुम्हें नजर नहीं आया। पाशा साहब, वो इतने प्यार से लाकर देता था, मैं मना तो नहीं कर सकती थी ना। फरजाद को अपने बेटे की तरह समझता था। बहुत दुख हो रहा है मुझे। नहीं बाबा, फरजाद भाई सच में अच्छे हैं, हम सब उससे प्यार करते हैं। शहजादा बहुत अच्छा था, ऐसी बड़ी बड़ी गहरी आंखें, ऐसी प्यारी मुस्कुराहट। मगर अल्लाह के आगे किसकी मर्जी चली है आज तक? आगू जान, वो मरा नहीं है, है? वो सिर्फ सिर्फ जेल गया। क्या वहमक, वो जेल नहीं, खाने गया है। समीर, तुम हया और उम्मीद को बुला कर लाओ। बाबा वो सो रहे हैं। सो रहे हैं? घर में इतनी टेंशन चल रही है और वो सो रहे हैं? बादशाह साहब, नींद का क्या है, वो तो सूली पे भी आ जाती है। जाओ उसे बुला कर लाओ, मुझे बात करनी है। वो घर पर नहीं है। क्या, क्या फिर से भाग गई? नहीं, पुलिस स्टेशन गई है। स्टेशन? स्टेशन? स्टेशन?